तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ आलू चिप्स। और आलू चिप्स के लिए मैंने तीन लिए हैं आलू और तीनों को छील कर रख लिया। और अब चक्कू की सहायता से बारीक बारीक काट रही हूँ। वैसे लंबे आलू होते तो ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे आलू थे तो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। तो चलिए मैंने सभी आलू काट लिए हैं और अब इसको मैं 2 से 3 बार साफ पानी से धो लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से धो लेना है। जब तक इसका साफ पानी ना निकले तब तक धोते रहना, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे। क्योंकि ऊपर से तो कष्ट हो जाएगी लेकिन अंदर से फोले से रह जाएंगे, अच्छी नहीं बनेगी। तो इस धोने के बाद मैं सूती कपड़े से इन सब को साफ कर लूँगी ताकि इसमें पानी ना रह जाए। और ये मेरे पास तो सूती दुपट्टा था तो मैं इसी से ही साफ कर रही थी। इनके पूरा का पूरा पानी सुखा लिया है मैंने, जो बड़ी है उनको भी मैं छोटे कर लूँगी। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम तो मैं बच्चों के लिए बना के दे रही थी, क्योंकि तो बच्चे सुबह सुबह दूध लेते हैं तो दूध के साथ खा लेंगे तो खाना थोड़ा सा लेट बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल ले, और लाल मिर्च। लाल मिर्च में बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि बच्चों को खाना है ना। थोड़ा सा ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और उसके बाद डालूंगी थोड़ा सा बेसन, ताकि थोड़ा बहुत भी पानी रह गया हो तो वो बेसन चोस लेगा सारा। तो ये तेल मैंने चढ़ा दिया है, इसको पहले ऑन कर देती हूँ ताकि तेल गर्म होगा, तब तक हम इसे तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हाथ की सहायता से इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अगर जब पानी रह गया तो अच्छे नहीं बनेंगे। और मेरा हाथ मैंने आपको कल दिखाया था तो उसमें हो रहा है दर्द, इसलिए हाथ से नहीं हो रहा है तो मैं इसको ऐसे ही कर रही थी। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया, और ये देखिए हाथ इस तरह से हो गया। ये देखिए इतना फर्क है दोनों हाथ में, तो ऊपर तक भी सूजन आ गई है इसमें। ये देखिए चूड़ियाँ भी ऊपर नहीं जा रही, इस हाथ की पूरी जा रही है लेकिन इस हाथ की नहीं जा रही है। और पूरा दर्द है और हाथ दर्द हो रहा है पूरे का पूरा। मैं इसको इस तरह से मिला लिया और एक एक करके सभी चीज़ को तेल में डाल दूंगी। 2 बार में करूंगी, नहीं तो 1 बार में तो कुछ ज़्यादा हो जाएगी। और बिल्कुल ही कम आंच पे सेकना है ताकि पूरी करकरी हो जाए। अगर आंच फुल रखेंगे तो फिर तो ये आलू की सब्जी बन जाएगी। तो इसे थोड़ा सा कुरकुरा भी तो बनाना है। मैंने आंच बिल्कुल कम कर दी है और इससे इस तरह से हिलाते हुए धीमी आंच पे ही सेक लूंगी। प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, और वीडियो को पूरा देखना। तो आ जाइए आप मेरे साथ सभी भाई बहन, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए और ये और बना लेते हैं इतने। तो ये 2 बार में मैं इसको देख रही हूँ। ये देखिए और ये मेरी बेटी आ गई है बीच में, ये बोल रही है पहले इतने हमें दे दो और दूसरे बाद में बना लेना। तो थोड़ी सी डाल देती हूँ ऊपर से काली मिर्च। जैसे आप सोच रहे होंगे कि आप हींग है, लेकिन हींग की डब्बी है, इसके अंदर काली मिर्च है। तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल कर रखी है, तो थोड़ी सी काली मिर्च और छिड़क दी डाल दी। कभी कभी आपकी भाषा आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने पहले बनाई थी वो तो मेरी बेटी ले गई बाहर खाने के लिए, और ये मैं दूसरी बार में और इतनी बना रही हूँ। बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड्स, ये देखिए।
वो बेटी बोल रही है मिर्च कम है, तो मैंने थोड़ी सी मिर्च और डाल दी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल दिया है। और ये देखिए बहुत अच्छी है, आ जाइए। फ्रेंड्स बताना हमारी आलू चिप्स कैसी लगी, और आप भी घर पर बना के ट्राई करें, बहुत अच्छी लगी थी हमें तो। और आप भी देखना, और आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट।